और इसी बीच आपको यह भी बताएं कि कांग्रेस पर बीजेपी बरस रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। अयोध्या में चुनावी कार्यक्रम हो रहा है। कांग्रेस ने पूछा कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शंकराचार्य क्यों नहीं गए। कांग्रेस का यह भी कहना है कि जो काम संतों का है वो मोदी जी क्यों कर रहे हैं। भाजपा ने इस देश को बहुत तरीके से बांटा। भाजपा ने जाति में, भाजपा ने लैंग्वेज पर, बोलने पर, आप किसकी पूजा करते हैं, कौन सी वेशभूषा पहनते हैं, हर तरह से बांटने का प्रयास किया। लेकिन पहली बार भाजपा ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बांट दिया। कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत आस्था को सर्वोपरि मानती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है और हम हमेशा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाकर गए हैं और आगे भी आस्था के अनुसार जाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 15 तारीख को सारी कमेटी, वहां के तमाम नेता, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के साथ अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। यह व्यक्तिगत इनविटेशन आया था क्योंकि वहां पर इतना विभत्स राजनीतिकरण देखा गया। हमने 22 तारीख को जाने से इनकार किया। हम सबको स्वतंत्रता है। अगर मैं और पवन जी भी जाना चाहे, हमें पूरी स्वतंत्रता है, जो पार्टी को है, हम में से कोई कभी भी जा सकता है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव, मैं ये जानना भी चाहते हैं, हम लोग सब जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कौन से पंचांग को देखकर किया? ये तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख चुनी है। ये अंतर है, ये स्पष्ट है। एक आदमी के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए कैसे देख सकते? कांग्रेस को सुना आपने। ABP News आपको रखे आगे।